सभी मेरे प्यारे भाई बहन को राम राम, जय हिंद। मैं फिजिकल ट्रेनर अभिजीत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को पता ही होगा कि SSCGT 2024 का जो है फिजिकल का डेट आउट हो गया है। 23 सितंबर से लेके और 8 नवंबर तक जो है फिजिकल चलेगा। तो आज का मेरे ये वीडियो बनाने का मेन मोटो जो है फिजिकल को लेके, आप सभी को ये भी पता होगा कि SSCGT का फिजिकल में जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना रहता है। और अगर आप SSCGT का 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट कर लेते हो तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है 90% हो गया। तो इसलिए दोस्तों, जिन भाइयों का 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उनके लिए कुछ एक टिप्स मैं आज बताने वाला हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना और अपनी रनिंग में अप्लाई करना। यकीन मानिए, अगर आप मेरे दिए हुए टिप्स को फॉलो करते हो तो पक्का 100% जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। यूट्यूब में और भी कई सारी 5 किलोमीटर रनिंग के वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को आप एक बार पूरा देखना है और टिप्स को फॉलो करना है प्रॉपर। यकीन मानिए, आपकी रनिंग में बिल्कुल इजाफा आएगा और आपका रनिंग जो है बिल्कुल अच्छा होगा, पहले से बेहतर होगा, और आपको जो है 24 मिनट के अंदर अंदर आपका रनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए हर एक टिप्स को ध्यान से सुनना है और एंड वाला टिप्स को जरूर सुनना है। 5 किलोमीटर का रनिंग जो है एक काफ़ी लंबा रेस है, तो उसको पूरा करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका स्टेमिना, और दूसरा पॉइंट जो है आता है आपका वो है आपका रनिंग करने का सही तरीका। तो मैं कुछ एक टिप्स बताने वाला हूँ। टिप्स नंबर 1, वार्म अप और स्ट्रेचिंग। देखिए, असल में क्या होता है कि जब भी हम रनिंग शुरू करते हैं तो उस समय क्या है, हमारा बॉडी जो है बिल्कुल रिलैक्स होता है, बॉडी के जितने भी मसल्स है वो रिलैक्स मोड में होता है। अगर हम उसी सिचुएशन में रनिंग शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए, आप 100-200 मीटर रनिंग के बाद जो है आप थक जाएंगे और आपका बॉडी मसल्स भी जो है बिल्कुल थक जाएगा। इसलिए जब भी रनिंग करना है बढ़िया से वार्म अप और स्ट्रेचिंग होके ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप जो है जल्दी थक जाएंगे और रनिंग के बाद जो है आपकी मसल्स में पेन भी होगा, और इसीलिए आप जो है नेक्स्ट दिन दौड़ने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें आएगा। इसलिए ज़रूरी है जब भी रनिंग करना है सबसे पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग बढ़िया से करना है। कई भाइयों का ये भी कन्फ्यूजन होगा कि रनिंग कब करें, सुबह करें या शाम करें। तो देखिए दोस्तों, रनिंग का जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो है सुबह के टाइम। अगर आप सुबह के टाइम रनिंग करते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सभी ट्रेनिंग सेंटरों में या कहीं भी फिजिकल वर्कआउट जो भी होता है तो हमेशा जो है सुबह के टाइम ही बेस्ट माना गया है। इसीलिए फिजिकल से संबंधित जो भी आप वर्कआउट करते हो तो सुबह के टाइम सबसे बेस्ट रहता है, और शाम को जो है आपको फिजिकल से रिलेटेड गेम को आप चयन कर सकते हो, जैसे फुटबॉल हो गया, जिससे आपका जो है स्टेमिना भी बिल्ड होगा उससे। तो इसी तरह से आपको 5 किलोमीटर की अभ्यास सुबह करना है और शाम को आप गेम खेल सकते हो। गेम के रूप में फुटबॉल खेलेंगे तो आपको जो है स्टेमिना और ज़्यादा बिल्ड होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिप्स नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिप्स नंबर 2 में जो है आता है आपका सांस लेने का सही तरीका, कि आप रनिंग करते टाइम कैसे सांस को ले रहे हो या फिर कैसे छोड़ रहे हो। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान से सुनना है और अपने रनिंग में इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों, आप जब भी रनिंग शुरू करते हो तो उस टाइम आपको करना यह है कि शुरू में आपको नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है, और ऐसा कंटिन्यू जो है आपको 3 से 3.5 किलोमीटर तक दौड़ाना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप शुरू से ही नाक से सांस ना लेके मुंह से सांस लेते हो तो आपका जो है गला सूख जाएगा जल्दी, और आप जो है 5 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान में ये जरूर रखना है, शुरू में जो है आपको नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है, और 3 से 3.5 किलोमीटर रनिंग के बाद जो है आपको नाक से सांस तो लेना है लेकिन मुँह से छोड़ना है, और ऐसा कंटिन्यू जो है 4 से 4.5 किलोमीटर तक करना है, और लास्ट का जो 500 मीटर बचता है या फिर 500 से 1000 मीटर बचता है उस समय जो है आपको श्वास में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको जो है मुंह से ही सांस लेना है और मुंह से ही छोड़ना है। उस टाइम आपका फोकस एक ही चीज़ पे होना चाहिए कि लास्ट का 500 या 100 मीटर जो है आपको बढ़िया स्प्रिंट लगाना है और जल्दी से जल्दी टाइम को कवर करना रहता है। जब भी आप 5 किलोमीटर की रनिंग को शुरू करते हो तो शुरू का 200 से 300 मीटर रनिंग जो है आपको नॉर्मल रनिंग करना है, उसके बाद जो है आपका बॉडी बिल्कुल खुल जाएगा, उसके बाद जो है आप फुल रेस में दौड़ सकते हो। तो ये ध्यान में जरूर रखना है कि शुरू का 200 से 300 मीटर जो है आपको नॉर्मल दौड़ना है। टिप्स नंबर 3, रनिंग करने का सही तरीका। क्या आपको पंजे में दौड़ना चाहिए या फिर फ्लैट पैर में दौड़ना चाहिए? तो दोस्तों, जितना भी शॉर्ट रनिंग होता है, जैसे 200-400 मीटर की रनिंग होता है, ये सारे रनिंग जो है आप पंजे में दौड़ना चाहिए आपको, क्योंकि ये शॉर्ट रनिंग होता है और ज़्यादा से ज़्यादा तेज भागना पड़ता है अपन को। इसलिए जो है शॉर्ट रनिंग हमेशा पंजे पे होता है, और लॉन्ग रनिंग जैसे 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर रनिंग हो गए तो ये सारे रनिंग जो है आपको फ्लैट पैर में ही दौड़ना है। फ्लैट पैर पटक के आपको जो है
5 किलोमीटर का रनिंग करना है। इसमें कोई भाई कंफ्यूजन ना रहे कि एरी में दौड़ना चाहिए या पंजे में या फिर फ्लैट पैर में। तो दोस्तों हमेशा लॉन्ग रनिंग आपको फ्लैट पैर पटक के ही जो है आपको दौड़ना रहता है। टिप्स नंबर 4, शूज। आप कभी भी रनिंग करते हो तो आपको हमेशा जो है शूज़ पहन के ही रनिंग करना है, नंगे पैर नहीं दौड़ना है। उससे क्या होता है कि आपको आपकी पैर में कभी भी कांटा या पत्थर कुछ भी लग सकता है, जिससे आपका जो है पाँव खराब हो जाएगा और आपका रनिंग जो है ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए हमेशा शूज़ का यूज करना है और वो भी बढ़िया वाला शूज़ का यूज़ करना है। कम से कम 1000 से 1500 रुपये का शूज़ आपको जो है यूज करना है, बढ़िया लेयर वाला शूज़ जो है आपको यूज करना है, ताकि आपका पाँव का सेफ्टी जो है बना रहे। और प्रैक्टिस रनिंग के लिए जो है ग्राउंड सबसे बेहतर रहता है बजाय पक्के रोड के, क्योंकि पक्के रोड में अगर आप हमेशा कंटिन्यू दौड़ते हो तो आपका पाँव जो है धीरे धीरे कंडम हो जाता है, सिम्बोन में पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है प्रेशर एकदम से लगता है पाँव में। तो इस वजह से कोशिश करें कि हमेशा मिट्टी वाला ग्राउंड का अगर है आपके पास अवेलेबल तो हमेशा मिट्टी वाला ग्राउंड में रनिंग करें। सिम्बोन का मेन पॉइंट जो है वो है पक्का सड़क। हमेशा पक्का सड़क का यूज करोगे तो लॉन्ग टाइम पीरियड में जो है आपका सिम्बोन में पेन आना तय है। इसीलिए हमेशा कोशिश करना है कि जमीन या रोड के साइड में जो मिट्टी टाइप से रहता है उसमें रनिंग करने की हमेशा कोशिश करें। टिप्स नंबर 5, स्ट्रेचिंग। आप जब भी 5 किलोमीटर या उससे अधिक रनिंग करते हो तो हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि 5 किलोमीटर रनिंग के बाद आपको जो है एकदम से आराम नहीं करना है, धीरे धीरे अपनी बॉडी को कूलिंग डाउन करना है और उसके बाद स्ट्रेचिंग पक्का करना है। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपका बॉडी मसल्स जो है रिलैक्स हो जाएगा और आप अगले दिन के लिए रनिंग के लिए बिल्कुल फिट रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइट की, कि फिजिकल वर्कआउट करने वाले और रनिंग करने वाले के लिए कौन सी डाइट सबसे बेहतर रहता है जिससे आपका स्टेमिना भी बूस्ट होता रहे। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि रात को जो है काली चना, मूंग, हरी मूंग, मूंगफली, अंजीर, बादाम, ये सब भिगो के बढ़िया से धो के भिगो के रख देना है और सुबह जो है इसका सेवन करना है। कब? रनिंग के बाद, जब आप रनिंग करके आ जाते हो उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट में आपको इसका सेवन करना है। और आपको रनिंग करने से पहले जो है ये सब नहीं खाना है। रनिंग करने से पहले आप जो है 1-2 खजूर खा सकते हैं या फिर जो है ब्लैक सॉल्ट, काली नमक का सेवन कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में जो है आपको ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेना है और साथ में 2-4 अंडे का भी सेवन करना है, जिसमें काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है और बादाम में बिल्कुल ही प्योर प्रोटीन होता है बादाम में। तो ये सब सारी चीज़ें जो है डेली की डाइट में जो है आपको शामिल करना है। और जब भी आप रनिंग करते हो तो उससे तुरंत पहले जो है आपको पानी नहीं पीना है। रनिंग करने से कम से कम आधा घंटा पहले आप पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए या नॉर्मल पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 ग्लास पानी पीजिए, उसके बाद जो है आप लमसम आधा घंटे के बाद आप रनिंग कीजिए। दोस्तों टाइम बहुत कम है क्योंकि SSCGD का फिजिकल जो है 23 सितंबर से शुरू है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो की एक एक टिप्स को आपको ईमानदारी से फॉलो करना है तो आपको जो है रिजल्ट बिल्कुल ही अच्छा मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात और कहना चाहूँगा कि कैसे रनिंग करना है ये आपको मैं टिप्स ओनली बता सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप दिल से जी जान लगा के मेहनत करते हो तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ऑल द बेस्ट सभी मेरी भाई, जितने भी मेरे भाई मेरे ये वीडियो देख रहा है, मैं भगवान से यही दुआ करूँगा कि आप सभी का जो है सिलेक्शन हो जाए। ऑल सभी के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।